हेलो जय हिंद दोस्तों मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एन जी एस में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपका और ये करंट सेशन चल रहा है तो करंट अफेयर का सातवां वीडियो हो जाएगा ठीक है और इसमें से जो है हम लोग आठ क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चले हैं तो इसमें हम लोग सौ क्वेश्चन इसमें तो कंप्लीट नहीं होगा बाकी सब सब छः सौ तक क्वेश्चन हो गए थे छः सेट में और इसमें जो है लगभग पचपन के आसपास क्वेश्चन है उसके बाद बचे हुए जो डेढ़ सौ होंगे हम लोग दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे यानी कि हम लोग आठ सौ क्वेश्चन पूरा देखेंगे दो हज़ार बीस से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे कुछ हम लोग उन्नीस का भी देख लेंगे ठीक है तो ये हम लोग का सीनेरियो था तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ, साथ नोट्स में बेल यानी कि घंटी को बजा दें जिससे मिल सके नोट सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना कदापि ना भूलें तो चलिए प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को क्योंकि वीडियो अच्छी होने ही वाली है वीडियो को एंड तक देखिए आप एन का पेपर देने वाले हैं तो महत्वपूर्ण है ही है या दे रहे हैं ग्रुप डी हो एसएससी सीएचएसएल हो जो भी एग्जाम हो सब में करंट अफेयर तो समान रूप से इक्वली इम्पोर्टेंस उसकी होती है तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं है ना एंड तक देखिए सुनते रहिए देखते रहिए आराम से आपको याद हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ये हम लोग का पिछला क्वेश्चन था लास्ट वाला राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को इकसठवें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है तो यानी कि कितने लोग थे जिनको ललित कला अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और वो भी क्या है इकसठवें वार्षिक ललित कला है ना तो ट्वेंटी फाइव लोग थे पच्चीस लोग थे है ना? उनको सम्मानित किया गया सॉरी गड़बड़ हो गया पंद्रह लोग थे ठीक है पच्चीस नहीं पंद्रह लोग थे इसको ये हम लोग पिछले सेट में इसको उन्होंने देखा था उसके बाद अब शुरू होता है आज का हम लोगों का तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन बी वन बी टू ट्वेल्व और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है तो यानी कि बैन कितनी तरीके दवाइयों को देखते हुए बैन लगाया गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छब्बीस छब्बीस तरह की दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है ना अच्छा इनका जो रासायनिक नाम हो जाता है और इसका हो जाता है क्या विटामिन बी वन का थाइमिन हो जाता है ना और बी ट्वेल्व का हो जाता है साइटोक्लोबीन तो फिर बी टू का राइबोक्लोबीन चलिए ठीक है वो तो हम लोग बाद में उसकी बात अलग है इसमें शायद वीडियो कम इसमें पड़ा हुआ है ठीक है देख लेंगे आप लोग तो छब्बीस दवाओं पर इसमें जो है रोक लगाई गई थी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं और बात है कि करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं इसलिए लगातार कंटिन्यू बस अपना आंसर ही हम लोग देखते चलते हैं अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रेट यानी कि जी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने में के मामले में भारत एक देशों की सूची में कितने स्थान पर है यानी कि एक सौ पैंतीस देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है जो काले धन को सफेद करने में माहिर हो है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर पे तो भारत तीसरे नंबर पे है भाई टॉप थर्ड नंबर पे, है, नाइस। झारखंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट दो तीन सौ यूनिट माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह बिजली देने की घोषणा करी है वो भी फ्री ठीक है तो फ्री बिजली देने की घोषणा की है तो वो हो जाएगा सौ यूनिट प्रति माह बिजली जो है फ्री देने की घोषणा की गई है किसके द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को एक रन से हराकर कर तेरह साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है तो तेरह साल में भैया पहली बार इन्होंने जगह बनाई हुई है तो कोई बात नहीं है आप मेमोराइज करेंगे कर्नाटक क्रिकेट टीम को हराया था इन्होंने है ना उसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है तो कितने करोड़ का प्रावधान इन्होंने किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो हो जाएगा इक्यावन सौ करोड़ ठीक है पाँच हज़ार एक सौ करोड़ रुपए उसके बाद देन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ए के हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किस के नाम को मंजूरी दे दी गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय भूषण पांडे अजय भूषण पांडे ठीक है हम लोग डायरेक्ट आंसर इसीलिए देखते हैं कि बा, बाकी सारे ऑप्शन सुनने के बाद कन्फ्यूज़न दिमाग में पैदा होता है तो ऐसा कोई भी इशू ना हो इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर पे ही जाते हैं भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है ये एक बार पहले भी आया था तो इसमें दो ठीक है करेक्ट आंसर दो जगहों को उसके बाद जम्मू नगर जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है तो जम्मू विश्वविद्यालय को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा महाराजा गुलाब सिंह ठीक है महाराजा गुलाब सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है कि वो जो है डीजल की जो है आ, प्रो यानी डिलीवरी वगैरह जो है डोर टू डोर करेगा तो हम सफ़र मोबाइल ऐप था ठीक है हम सफ़र मोबाइल ऐप ऐप से संबंधित ऐप जो है ढेर सारे ऐप मैं आपको इकट्ठा करके दे दूंगा इसमें ठीक है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भार भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के आठवें स्थापना दिवस की आ, आयोजना आयोजन किया गया यानी कि ये कौन सा और मतलब किस जगह पे किस जगह पर यह किया गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में ठीक है तो गृह मंत्री गृह राज्य, राज्य मंत्री की अध्यक्षता में है ना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की वो क्या है भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के आठवें स्थापना दिवस जो है आपका लखनऊ में किया गया था विश्व वन्य जीव दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है काफ़ी इम्पोर्टेंस है भैया इसका रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी तो तीन मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीत दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है तीन मार्च को उसके बाद न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं तो भैया वो न्यूजीलैंड का कौन सा बल, बॉलर था भैया तो नाम है टीम साउदी टीम साउथी ने दस बार उस विराट कोहली जी को आउट किया है तो ये पहले बॉलर बन गए हैं विश्व श्रवण दिवस विश्व श्रवण दिवस यानी हेरिंग डे निम्न से किस दिन को मनाया जाता है तो ये डे वो भी ध्यान देना ही पड़ेगा है ना मजबूरी है भाई नौकरी चाहिए तो तीन मार्च को ठीक है तीन मार्च को क्या मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है ठीक है और आपका तीन मार्च को ही क्या मनाया जाता है वन्य जीव दिवस ठीक है तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे तीन मार्च को ही आगे प्रवासी प्रजाति प्रजाति के संरक्षण पर अब समय द्वारा वन्य जीवों को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या चार सौ सत्तावन हो गई है यानी कि प्रवासी मतलब जीव ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं ना तो उसकी बात की जा रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत है ना? तो भारत में जो है प्रवासी जीवों की कुल संख्या चार सौ सत्तावन हो गई है बढ़ के निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक है और खेलो इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया था है ना इसके तहत फिटनेस के साथ साथ और बाकी जो आ, जो खिलाड़ी होते हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए और प्लस इंडिया फिट रहे उसके लिए खेलो इंडिया ऐप का लॉन्च किया था इन्होंने भाई ऐप हाँ, में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया यानी कि इको सेंसिटिव घोषित होने का मतलब क्या है वहाँ पे आ, जो है इकोसिस्टम का मतलब वहाँ पे रहने योग्य चीज़ें जो है ना रहें तो वो सेंसिटिव में घोषित कर दिया जाता है फिर मामला बिगड़ने लगता है वहाँ पे तो ये जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को है ना चंबल एमपी तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उसके बाद केंद्र केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है तो कैसे कारीगरों के लिए दिव्यांग ठीक है तो इसका जो नाम दिया गया है वो हो जाएगा आपका एकम उत्सव एकम उत्सव ठीक है याद रखेंगे इसको उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी एफ आई एच है ना फिर रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है तो पुरुष हॉकी टीम को तो स्थान कौन सा मिल गया भैया इनको इनको मिल गया चौथा स्थान ठीक है चौथा स्थान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया एक साल का प्रतिबंध हटा दिया गया है तो वह कौन से भारतीय मुक्केबाज थे ये एंटी डोपिंग जो डोपिंग वाला समस्या है ना बड़ा बड़ा गंभीर है सुमित सांगवान ठीक है सुमित सांगवान सुनील सेट्टी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नाडा का ठीक है एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अतिरिक्त तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज्यादा कवर करना है तो श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दो मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपल्स कोर्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा करी गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सजित प्रेम दासा सजित प्रेम दासा के हम कहें तो देख रेख में ठीक है लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान में आरंभिक आरंभ किए गए अभियान का जो नाम था वो क्या था ओम बिड़ला द्वारा इसको स्टार्ट करा गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई तो इसका नाम हो जाएगा आपका सुपोषित माँ अभियान सुपोषित माँ अभियान ये लोकसभा स्पीकर हैं ओम जी निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है तो मोरारजी देसाई की एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी आप जो है अगर इस करंट अफेयर के देख देखें तो आप फरवरी और उसमें जा रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर 29 फरवरी हो जाएगा मोरारजी देसाई का जो जन्म दिवस है वो उनतीस फरवरी को ध्यान देने वाली बात है कि इनकी जो जन्म दिवस है हर चार वर्ष बाद आती है है ना जब लीप ईयर होता है जब हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं ना लीप ईयर तो जब छाछठ का वर्ष होता है तब ठीक है तो हमें पता है कि तीन सौ पैंसठ दिन चार घंटे अड़तालीस मिनट छियालीस सेकेंड और साढ़े सैंतालीस सेकेंड मिली सेकेंड में और सूर्य की परिक्रमा कर पाती है पृथ्वी तो वही चार चार घंटे जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो चार के एक्चुअल में वो पाँच घंटे लगभग हो जाते हैं तो पाँच चक्कू बीस के आसपास जो होता है वो बढ़ जाता है तो वो छाछट का हो पाता है ठीक है हर वर्ष उनतीस फरवरी याद रखेंगे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है मोरारजी देसाई की बात है ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तो वो कौन सा हो जाएगा कौन सा रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोल सोल ठीक है वर्ष में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में ठीक है विश्व उत्पादक कांग्रेस का आयोजन तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया भारत किस भारत के लेखक रिचर्ड जैन पैस का हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा के लेखक है यार क्या बोल रहा हूँ मैं तो किस रिचर्ड लेखक रिचर्ड जॉन पैस इनका नाम है तो यह किस भाषा के लेखक हुआ करते थे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोंकड़ी गड़बड़ नहीं करेंगे अंग्रेजी के चक्कर में रिचर्ड जॉन पैस के नाम के चक्कर में गड़बड़ नहीं करेंगे कोंकड़ी हो जाएगा ठीक है कोंकड़ भाषा है भारत का ही किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है तो कौन सी सर कौन सी सरकार है तो पंजाब सरकार है ना तो बिना हाइजीन रेटिंग वाले जो फूड हैं उनको जो है उसकी डिलीवरी पर रोक लगा दिया है उसके बाद निम्न में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है यानी कि सिविल काउंस दिवस मनाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आने के बाद होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा किस दिन को मनाया जाता है ना तो इसका एक मार्च ही है ठीक है करेक्ट आंसर एक मार्च एक मार्च दो हज़ार बीस को निम्नलिखित में से ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है ये वाला जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम हो जाएगा यासीन याद रखेंगे मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहीउद्दीन यासीन ठीक है उसके बाद विश्व किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है तो शून्य भेदभाव दिवस मनाने का जो डेज है वो है अट्ठाईस फरवरी कौन सा फरवरी अट्ठाईस फरवरी स्को आप याद रखेंगे राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करके अपने करियर का 85 यानी कि 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भैया राफेल नडाल जब देखो जब नाम चलता ही रहता है तो यह हो जाएगा मैक्सिकन ओपन को जीत करके ओके हाल ही में किस देश में तेल अविश्व विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक शोषण करने वाले जीव नाम है इसका हेने गुआ, हेने गुआ, आ, है इसका और क्या की खोज की है तो याद रखेंगे भैया नाम थोड़ा सा तगड़ा है और देश का पूछ रहा है ना तो हेनेगुआ साल कोला की खोज की है तो उस देश का नाम हो जाएगा इसरायल क्या हो जाएगा इसरायल <coughs> किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रतिबंधन द्वारा दायरा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार की राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है तो कौन सा उच्च न्यायालय है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल उच्च न्यायालय ठीक है केरल उच्च न्यायालय ओके आगे चलते हम लोग आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौदह करोड़ रुपए ठीक है चौदह करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दस समझौतों पर हस्ताक्षर क्या नाम है यू विन मिंत ठीक है तो ऐसे जहाँ पे दौरे होते हैं समझौते होते हैं उससे क्वेश्चन बन जाता है तो फिलहाल ये है म्याँमार के म्यांमार ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ख्वाजा मोनिनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी और फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया ये जो है ये नाम था उर्दू अरबी फारसी और विश्वविद्यालय ये जो नाम था ये ये जो भाषा है ना सिर्फ वहीं बदल दिया गया है तो उसके नाम पे देखिए बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं चेंज सिर्फ क्या किया गया ख्वाजा मोनी चिश्ती भाषा कर दिया गया बस ख्वाजा मोनी चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय वहाँ उर्दू अरबी और फारसी को कट कर दिया गया है ठीक है तो ये भाषा बदल दिया गया है मतलब वो नाम बदल दिया गया नाम तो खूब बदला जा रहा है निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्ठाईस फरवरी को अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है निम्न में वैसे किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम ने नाविक इस्तेमाल किया किए जाने की घोषणा की गई थी तो ये रियलमी ठीक है तो रियल जो है चाइनीज कंपनी आमतौर आम पे आप जानते हैं ठीक है इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नाविक का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई थी तो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ओ एन जी सी और एच पी एल ने किस कंपनी में चौंतीस दशमलव पाँच छः प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है तो ओ एन जी सी और एच पी एल ने तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोनेट एम एच बी की ठीक है पेट्रोनेट एम एच बी की किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए बत बत्तख दल भेजने की घोषणा की है तो बत्तख दल भेजा गया भाई बत्तख क्या करेगा उनको खाएगा और निपटाएगा ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा किसने ऐसी घोषणा की है कि भाई आप जो है बतख दल ले जाओ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ, हाँ मतलब चाइना ने और कौन करेगा भाई भारत रशिया बांग्लादेश से तो कोई मतलब है नहीं ज़्यादा तो चाइना ने कहा ले जाओ भाई आप मुझसे बतक ले बतख ले जाओ है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं निम्न में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे एस एन श्रीवास्तव कौन श्रीवास्तव एस एन श्रीवास्तव नेक्स्ट निम्न में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा तो इंद्र से जब नाम आए तो आप ध्यान देंगे इंग्लैंड है ठीक है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास इंग्लैंड ठीक है निम्न में से किस फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो फ्रांस में नियुक्त किया गया है तो इनका नाम हो जाएगा जावेद अशरफ ठीक है फ्रांस में इनकी नियुक्ति हुई है राजदूत के रूप में ठीक है ओके नेक्स्ट आगे चलते हम लोग जनेज जानसा निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो जनेन जानसा जो नियुक्तियाँ हैं भाई वो तो खतरनाक तरीके से पूछी जा रही है ये जाएगा स्लोवेनिया कौन से प्रधानमंत्री हैं भैया नाम क्या है इनका जने जानसा नाम है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं निम्न में से और किस राज्य विधानसभा द्वारा एन के विरुद्ध एन जो था ना एन मुद्दा एन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एन बनाने का निर्णय लिया गया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार ठीक है बिहार सरकार ठीक है बिहार हुरुन ग्लोबल हर, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है तो उसका नाम हो जाएगा जेब बेजोस ठीक है ये तो पता है ना बिल गेट्स वगैरह तो काफ़ी पीछे हो ही गए हैं तो जेब बजोश जो है सबसे एक नंबर के अमीर हो गए हैं पाँच बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने बत्तीस वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा मारिया सारोपोवा ने की है ठीक है तो बत्तीस वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम में लगातार जो है वो पांच बार विजेता रही हैं मतलब लगातार रही तो मारियारोपोवा उनका नाम हो जाएगा नेक्स्ट हाल ही में तटी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया तो नई दिल्ली ठीक है क्या है न्यूनीकरण तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा किया गया वो कहाँ किया गया तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली है उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने आनंद जिले के खंबात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है तो खंबात की खाड़ी जो है गुजरात ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात आगे चलते हम लोग हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है तो वह कौन सा देश हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंका जो है संयुक्त मान राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से के प्रस्ताव से अलग हो गया हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया भैया इसका नाम हो जाएगा पीवी सिंधु ठीक है पीवी सिंधु को 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये भी पूछेगा तो बासठ सीटों पर ठीक है दस फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक यानी कि जो विकेट होता है वो लेने वाले कौन खिलाड़ी बन गए नसीम शाह जो पाकिस्तान के हैं भाई सबसे युवा उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप किताब 2020 अपने नाम किया है तो अंडर 19 का जो है विश्व कप जीतने वाले जो खिलाड़ी देश हो जाएगा वो बांग्लादेश ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश 9 फरवरी को उसके बाद 10 फरवरी 2020 को बानवेवा आस्कर पुरस्कार दिए गए जिनमें से किस से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैड पीटर ठीक है जो सहायक और अभिनेता का उन्हें पुरस्कार दिया गया है उसके बाद हम लोग बात करते हैं दस फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया दिया है तो ये किन को दिया भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद को क्या नाम हो जाएगा पुलेला गोपी चंद ठीक है तो 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में इन्हें भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हुआ है पुलेला गोपीचंद को तो इस तरीके से हम लोग का इसमें पचपन ही क्वेश्चन देखे हम लोग सौ क्वेश्चन देखा करते थे तो बचा हुआ अभी हम लोग का एक सौ पैंतालीस या हम कहें तो डेढ़ क्वेश्चन हम लोग बाकी अगले क्वेश्चन सेट में देख लेंगे ठीक है तो आठ सौ हम लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट ही करना है तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे आपने देखा कि आप फरवरी तक जो है फरवरी दो हज़ार बीस तक आपका कंप्लीट हो गया है और कोशिश करेंगे हम लोग जनवरी से फिर आगे भी बढ़ सकें ठीक है तो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को बजाना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं गोड़ों में तब तक नमस्कार जय हिंद जय जै भारत